हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूपाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू रूपाली किचन। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रेड वेलवेट केक की रेसिपी। तो बहुत ही इजी ये रेसिपी होती है, बहुत ही डिलीशियस ही केक बन के तैयार होता है। तो ये केक तो मेरा ऑर्डर का केक था और बहुत जैसा कस्टमर को चाहिए था उनको चाहिए था कि मैं रेड कलर का केक उन्हें बना के दूँ और उसमें रोजेस हों। तो ये किसी की वाइफ के लिए केक है तो मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाने की कोशिश की है। रेड वेलवेट केक भी दिया उनको, रेड कलर का भी दिया है और इसमें रोजेस भी बना के दिए हैं। तो आई होप उनको भी ये पसंद आया होगा। और उस दिन जिस दिन मैंने केक बनाया था उस दिन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। खैर, आज भी बहुत बारिश हो रही है, भी रेनी सीज़न तो है ही, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। लाइट बार बार जा रही थी, तो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है आपको थोड़ा दिखे, तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप का प्रीमिक्स लिया है और उसके साथ में मैंने 1/2 कप और ले लिया था क्योंकि उसमें जो मुझे ऊपर की लेयर कट करनी थी रेड वेलवेट का वेलवेट बनाने के लिए। इसमें 1 चम्मच मैंने कोको पाउडर डाला, हर्शीज़ का मैंने कोको पाउडर इसमें यूज़ किया है। बस अब इसमें हमें पानी मिक्स करना है। पानी का आपको पता है कोई एक फिक्स रेशो नहीं है, एक फ्लोई कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बनाना, तो धीरे धीरे करके इसमें पानी डालेंगे, एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा बैटर जो है वो ज़्यादा पतला हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें डाल दिया है ऑयल और फिर इसमें डाल दिया मैंने रेड कलर, क्योंकि रेड वेलवेट का केक बनाना था उसमें रेड कलर तो हमें चाहिए ही था। और इसकी जब मैं ऊपर की लेयर कट करूँगी तो उसका भी मुझे उसको क्रश करके उसका वेलवेट वाला टेक्सचर वाला वो बनाना है। तो यहाँ पे अब मैं ऑलरेडी ग्रीस जो मेरा केक टिन था उसमें मैं बैटर को डाल दूँगी, इसे थोड़ा सा डैप कर लेंगे ताकि उसमें कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए जिससे हमारे केक में कोई क्रैक ना आए। तो उसे प्री हीटेड मेरे भगोने में मैंने उसे बेक कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्रीम की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने जो रोजेस बनाने के लिए जो क्रीम होता है उसे अलग से निकाल लिया था और ये मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच भर के क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ को ना क्रीम में डालने से पहले थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि उसमें अगर कोई लम्स हो तो वो निकल जाए। और इसके साथ ही मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब शुगर डाल दी थी, पाउडर शुगर, अपनी नॉर्मल शुगर को मैंने पीस लिया था फिर इसमें मिक्स कर दिया। अब इस सबको आपस में अच्छे से फेंट लेंगे। शुगर मैंने इसलिए डाली है क्योंकि क्रीम चीज़ थोड़ा सा सॉल्टी साइड में होता है, मतलब नमक होता है उसमें, तो मेरा क्रीम का जो है वो मिठास कम ना हो जाए इसलिए मैंने उसमें 2 चम्मच शक्कर एक्स्ट्रा डाल दी थी। फिर उसके बाद में के बेस को सोक कर लेंगे पानी से, शुगर और पानी के सिरप से। उसके बाद में अपने क्रीम चीज़ वाले क्रीम को अच्छे से फैला लेंगे इसमें चारों तरफ। और ये क्रीम चीज़ मिलाने से जो केक का क्रीम होता है ना वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है टेक्सचर में, बहुत ही अच्छा लगता है ये टेस्ट में। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा जो है चॉकलेट चिप्स डाल दिए थे, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसकी जगह आप चाहो तो चॉकलेट गनाश भी यूज़ कर सकते हो, वाइट चॉकलेट गनाश। और मैंने केक की लेयर रख दी सेकेंड वाली और फिर उसी तरीके से उसको सोक कर लेंगे और फिर से क्रीम चीज़ वाला क्रीम इसके ऊपर लगा दें। मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कुछ आवाज़ अजीब सी लग रही तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। एंड फिर से उसके ऊपर डाल देंगे चोको चिप्स और लास्ट में अपनी फाइनल लेयर को इसके ऊपर रख देंगे। इस लेयर को भी मैं सोक कर लूँगी शुगर और पानी के मिक्सचर से। बस चारों तरफ से इसमें क्रीम लगा देंगे ऊपर से, वही अभी तो ये हमारा क्रीम चीज़ वाला ही क्रीम है, इसको मैं अच्छे तरीके से फैला लूँगी। क्रीम चीज़ मिलाने से क्या होता है क्रीम का टेक्सचर जो है ना वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, इस वजह से इसके जो फ्लावर्स या जो भी डेकोरेशन हमें करने होते हैं उसको करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो डेकोरेशन आपको करना है उसका क्रीम आप अलग से निकाल दें, बाकी जो क्रीम चीज़ को वो आप अच्छे से क्रम कोट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरे केक के ऊपर की लेयर है, इसका मैंने क्रम्बल बना लिया था मिक्सर में पीस के और फिर पंखे में थोड़ा सा सूखने के लिए रख दिया था। अब वेलवेट टेक्सचर लाने के लिए मैंने क्या किया, एक चलनी में उसको ले लिया है और जैसे छानते हैं चलनी से हाथों से ऊपर से छान करके इसको मैं इसके ऊपर ले रही हूँ, इससे एक बहुत ही बढ़िया सा वेलवेटी टेक्सचर हमारे केक के ऊपर आ जाएगा। तो रेड है वेलवेट है तो रेड वेलवेट हो गया और रेड वेलवेट की खासियत होती है उसका क्रीम चीज़ वाला क्रीम, तो वो तो है ही केक में। तो मैं इसको अच्छे से फैला लूँगी केक के चारों तरफ। ये देखिए साइड में भी मैंने उसके क्रम्बल्स लगा दिए हैं और अब जो सबसे छोटा वाला जो स्टार नोज़ल होता है उससे मुझे बॉर्डर बनाना बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा सबसे फेवरेट नोज़ल है, तो उसी से मैं इसके चारों तरफ जो है वो बना रही हूँ, बॉर्डर बना रही हूँ। तो इसको बॉर्डर बना लेते हैं अच्छे तरीके से और ये बॉर्डर काफ़ी अच्छी दिखती है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं लगती है। बहुत ज़्यादा बड़ी बॉर्डर मुझे भी बनाना पसंद नहीं है तो ये वाली बॉर्डर काफ़ी अच्छी लगती है। इस बॉर्डर का जो क्रीम है वो भी अपना नॉर्मल वाला ही क्रीम है, इसमें क्रीम चीज़ बिल्कुल भी मिला हुआ नहीं है। और सच में आज वॉइस ओवर करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि पानी का ग्लास लेके बैठी हूँ, पीती जा रही हूँ और बोलती जा रही हूँ, बोलते बोलते गला सूख जाता है तो फिर खांसी आने लगती है।
तो अब यहाँ पे हमने बॉर्डर तो बना लिया, अब बना रहे हैं रोजेट। तो मेरे साथ में प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही होता है कि जब मैं सॉरी सॉरी तो मैं आपको ये बता रही थी बीच में, फिर से मैंने अभी रोक दिया था, तो फोकस नहीं हो पाता है मेरे कैमरे का, और फोकस वाइट कलर के ऊपर इतना ज़्यादा रोशनी पड़ने लगती है कि कुछ क्लियर दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सबसे छोटे वाला जो R11 वाला जो नोज़ल होता है, उसका जो सबसे छोटा वाला होता है वो वाला नोज़ल लिया, उससे मैं यहाँ पे रोज़ बना रही हूँ। तो पहले बीच में मैंने एक बड बनाई थी, उसके चारों तरफ जो है यू शेप में, उल्टा यू करके हमें नोज़ल को घुमा घुमा के इसका रोज़ बनाना है। तो यहाँ पे मेरे रोज़ बन गए ऐसे। मैंने चार रोज़ ऊपर रखे थे और चार रोज़ साइड में रखे थे, मतलब केक के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे मैंने चार रोज़ रखे थे। और फिर इनको मैंने व्हाइट कलर का इसलिए रखा था, क्रीम अलग से नहीं बनाया था, क्योंकि मैं इस पर स्प्रे कलर करने वाली हूँ। रेड कलर का जो स्प्रे कलर होता है उससे मैं इसके ऊपर कलर करूँगी, तो अलग से हमें जो रेड कलर का क्रीम है वो बनाना नहीं पड़ेगा। बस थोड़ी सी क्रीम में मैंने ग्रीन कलर मिक्स करके ग्रीन कलर का क्रीम बना लिया था, ताकि मैं लीव्स बना सकूं। तो यहाँ पे अब मैं स्प्रे कर रही हूँ, तो जिससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है और अलग से रेड कलर का क्रीम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर रेड कलर का क्रीम बनाते हो, रेड कलर डालते हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्रीम लग जाता है, ए सॉरी कलर लग जाता है, तो उसकी जगह ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। अभी फोकस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो रोजेस है वो ऑरेंज कलर के लग रहे हैं, पर ये बिल्कुल डार्क डार्क रेड कलर के लगे थे, बने थे। और थोड़ा सा मैंने गोल्डन स्प्रे भी सेंटर में कर दिया है उसके। तो ऐसे ही मैंने नीचे वाले रोजेस बनाए, लीव्स बना लिए हैं, और ये रख दिया मैंने बर्थडे का टैग। तो हमारा केक यहाँ पे बन के कम्प्लीट होता है। आई होप आपको मेरा आज का ये केक पसंद आया होगा। कस्टमर को तो पसंद आया, उनकी डिमांड थी कि उन्हें रेड कलर का केक चाहिए, रेड वेलवेट केक चाहिए, और उसमें ढेर सारे रोजेस होने चाहिए। तो अपनी वाइफ को गिफ्ट देने के लिए ये केक काफ़ी ब्यूटीफुल है। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरा गला इतना ख़राब है, मैंने इतनी मुश्किल में वॉइस ओवर करी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली डिलीशियस रेसिपी के साथ में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल। बाय बाय।